नमस्कार, न्यूज पीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बात करते हैं स्पोर्ट्स जगत की प्रमुख पांच खबरों के बारे में। पहली खबर है, भारतीय टीम को इंग्लैंड ने 8 विकेट से दी शिरकत। जी हां, मिताली राज ने बताई हार की वजह। जी हां, भारतीय महिला टीम को इंग्लैंड ने सीरीज के पहले वनडे में रविवार को 8 विकेट से हराया है। हार के बाद कप्तान मिताली राज ने कहा कि यदि उनकी टीम को इंग्लैंड के खिलाफ बाकी बचे मैचों में अच्छा प्रदर्शन करना है तो उन्हें तीनों विभाग में जो है वो सुधार करना होगा। भारतीय टीम ने ब्रिस्टल में खेले गए सीरीज के पहले वनडे में 8 विकेट पर 201 रन बनाए। इंग्लिश टीम ने टैबी ब्यूमोंट जो है 87 रन उन्होंने नवादा और नताली साइबर जो हैं उन्होंने 74 रन के बीच 119 रनों की अटूट साझेदारी से 34 ओवर में ही लक्ष्य अपना हासिल कर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हार्दिक पांड्या पर अब और भरोसा नहीं कर सकता। शार्दुल ठाकुर को तैयार करने का समय आ गया, पूर्व चयनकर्ता सरनदीप का यह कहना है। जी हां, पूर्व राष्ट्रीय चयनकर्ता सरनदीप सिंह का मानना है कि भारतीय टीम के लिए हार्दिक पांड्या पर अपनी निर्भरता को छोड़ने और शार्दुल ठाकुर, विजय शंकर और शिवम दुबे जैसे अन्य ऑलराउंडर को तैयार करने का समय आ गया है। सरनदीप सिंह की ये जो टिप्पणी है वो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत की 8 विकेट से हार के आलोक में आई है। टेस्ट के लिए टीम का गेंदबाजी जो है वो संयोजन उल्टा पड़ गया क्योंकि न्यूजीलैंड ने अपने सभी सीम आक्रमण के साथ विदेशी परिस्थितियों से प्रभावित किया, जबकि भारत के स्पिनरों का अपेक्षित प्रभाव नहीं हो सका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय क्रिकेट में आया भूचाल। अंशुला राव डोप टेस्ट में फेल होने वाली देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी। जी हाँ, साल 2019 में भारतीय टीम के युवा विस्फोटक ओपनर जो है पृथ्वी शॉ डोप टेस्ट में फेल हुए थे। अब एक बार फिर से एक भारतीय क्रिकेटर की डोप टेस्ट में फेल होने की खबर आई है, लेकिन इस बार जो है ये क्रिकेटर कोई पुरुष नहीं बल्कि घरेलू क्रिकेट में मध्य प्रदेश की टीम की ओर से खेलने वाली महिला ऑलराउंडर अंशुला राव है। खबर के अनुसार ये क्रिकेट इतिहास में किसी महिला खिलाड़ी का डोप टेस्ट में फेल होने का पहला मामला सामने आया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मैदान में फिर से होंगी युवराज सिंह की वापसी। क्रिस गेल के साथ लगाएंगे चौके छक्के। जी हाँ, मेलबर्न के एक क्रिकेट क्लब ने दावा किया है कि वह इस साल गर्मियों में होने वाली T20 मैचों के लिए युवराज सिंह और क्रिस गेल के साथ करार देने के लिए बेहद ही करीब हैं। जी हाँ, मेलबर्न के ईस्टर्न क्रिकेट एसोसिएशन की तीसरी स्तरीय प्रतियोगिता में खेलने वाले मलग्रेव क्रिकेट क्लब ने कहा कि वे वेस्ट इंडीज़ के दिग्गज ब्रायन लारा और दक्षिण अफ्रीका के महान एबी डिविलियर्स के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की। पहले वनडे में शिफाली वर्मा की उम्र को लेकर हुआ बवाल, जानिए क्या है पूरा वजह। जी हाँ, भारतीय महिला क्रिकेट टीम इन दिनों इंग्लैंड के दौरे पर है। 3 मैचों की सीरीज का पहला वनडे इंटरनेशनल मैच 27 जून को दोनों टीमों के बीच खेला गया। इस मैच में भारत के लिए ओपनिंग बल्लेबाज शिफाली वर्मा ने डेब्यू किया। शिफाली ने इस मैच में 14 गेंदों में 15 रन बनाए। 70 साल की शिफाली इतनी कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में डेब्यू करने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी है। शिफाली ने इस दौरे पर दोनों टीमों के बीच खेले एकमात्र टेस्ट मैच के साथ क्रिकेट के सबसे बड़े प्रारूप में पदार्पण भी किया है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में शिफाली का उम्र जो को लेकर काफ़ी विवाद खड़ा हो गया है, जब ब्रॉडकास्टर में उनकी उम्र जो है वो 28 बताई गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर ब्रॉडकास्टर को लेकर जमकर भी ट्रोलिंग की जा रही है। स्पोर्ट्स जगत में आज बस इतना ही। बाकी के खबरों के लिए देखते रहे न्यूज पीआर। अगर आपने हमारे चैनल न्यूज पीआर को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी सब्सक्राइब कर दें।